रीप राजस्थान। हाँ जी, काफी महीने बीत चुके हैं, ऑलमोस्ट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आपने भी अपनी चॉइस फीलिंग पूरी भर दी होगी भैया, अपनी प्रेफरेंस, अपने कॉलेजेस। 99.99% बच्चों को तो पता ही नहीं है ये कॉलेजेस पहले कौन सा डालू, दूसरा कौन सा डालू, तीसरा कौन सा डालू। हाँ जी, डाल तो दिया MBM, CTE, JCRC, SKIT, अब लेकिन रैंक मेरी हजारों में आ रही है, 5,000, 6,000, 8,000, 10,000, 12,000, ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनके 14,000 रैंक है, जिन्होंने सिर्फ 6 कॉलेज डाले, 4 गवर्नमेंट कॉलेज, 4 प्राइवेट कॉलेज। हाँ जी, उनको उसके अंदर से कुछ भी नहीं मिलेगा, एक ब्रांच भी नहीं अलॉट होगी। आज वैसे प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुका, वैसे अब आगे का क्या प्रोसेस है भैया, ये TFWS वाले का क्या सीन है? हाँ जी, अब और आउटसाइड राजस्थान वालों का। हाँ, वैसे TFWS जो भी बच्चे हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, मेजोरिटी बहुत कम सीटें होती है, ऑलमोस्ट 2% बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर एक डिपार्टमेंट पर 2 सीट अवेलेबल होती है, और जिनको मिल जाता है उनको ट्यूशन फीस नहीं देना पड़ता। हाँ जी, आपको ट्यूशन की फीस जमा नहीं करनी, आपको 4 साल तक आपके लाखों रुपए बच जाएंगे, टोटली पूरी की पूरी बीटेक आपकी 2 से 2.5 लाख में हो जाएगी। खैर, बात करते हैं रीप की। हाँ जी, कुछ बच्चों का तो TFWS के अंदर हो जाएगा, आउटसाइड राजस्थान वाले बहुत कम बच्चे हैं, और जो बचे हुए हैं वो है राजस्थान वाले। हाँ जी, अधूरा वाली धरती वाले बच्चे, उनका क्या सीन है, उनका क्या कट ऑफ मार्क्स, प्लेसमेंट, थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपका जो अलॉटमेंट आने वाला है वो आएगा 28 अगस्त 2023। हाँ जी, एक महीने से भी ज्यादा टाइम पड़ा है, आज टोटली डेट हो चुकी है 18 जुलाई। हाँ जी, 18 से 30 जुलाई के बीच में टाइम होता है, टोटली 12 दिन का, और 12 के बाद में आपका 28, 40 दिन आप लोगों के पास पड़े। अगस्त की अगर यार मैं बात करूं, अगस्त के अंदर ऑलमोस्ट बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज, अदर स्टेट के कॉलेज, सबके एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। तो आप लोगों को अब क्या करना चाहिए? वैसे यार बहुत सारे पेरेंट्स के कॉल आते हैं, बहुत सारे बच्चों के कॉल आते हैं, भैया हम कौन सी ब्रांच लें, हम कौन से कॉलेज में जाएं। एवरी 99.99% बच्चे आज मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको 4 साल की बीटेक के बाद जॉब करना है, नौकरी चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए, बेरोजगार कोई नहीं रहना चाहता, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है, कौन सा कॉलेज, कौन सा प्लेसमेंट। हाँ जी, वैसे तो बहुत सारे कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, आप लोगों ने भी इनके अलावा भी सेलेक्ट किए होंगे काफी सारे। हाँ जी, टॉप कॉलेजेस के अलावा भी काफी सारे कॉलेजेस सेलेक्ट किए होंगे। हाँ, स्पेसिफिक रीप राजस्थान का कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आए। वैसे राजस्थान के अंदर पहली बार है आपका प्लेसमेंट सपोर्ट, आपको एडमिशन चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, आपको पता नहीं भैया कौन सा कॉलेज अच्छा है आपके लिए, बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सा है, बेस्ट कोर्स कौन सा है, आप मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और राजस्थान में नहीं मिल रहा भैया, बाहर चला जाता हूँ, पंजाब चला जाता हूँ, लेकिन काउंसलिंग क्या नाम की होती है वहां पे, गुजरात में कौन सी काउंसलिंग होती है, बेंगलोर में कौन सी होती है, मुंबई जाता हूँ भैया, मुंबई, हाँ मुंबई के अंदर क्या प्रोसेस है, दिल्ली के अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजों में ले लेता हूँ, जेक दिल्ली में तो बहुत कट ऑफ जा रहा है, वहां पे तो सिर्फ 5-6 कॉलेज है, इसके अलावा कौन से कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज कौन से है, डोंट वरी, राजस्थान में पहली बार दुनिया का सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम। हाँ, वैसे तो हमारे पास बहुत सारे बच्चे रजिस्टर्ड है जिस प्लान के हम 2,000 रुपीज हमेशा ले रहे हैं, पहली बार आज हम पहले 1,000 बच्चों को, पहले 1,000 बच्चों को वो प्लान सिर्फ 499 रुपए में दे रहे हैं, जो कि सिर्फ पहले 1,000 बच्चों के लिए है। आप जाके रजिस्टर कर सकते हो, आपके एडमिशन की पूरी गारंटी हमारे टीम मेंबर्स लेंगे, भैया तुम्हारी चॉइस फिलिंग अच्छी है, अच्छा ठीक है, तुमको कॉलेज अलॉट हो गया, अच्छा प्लेसमेंट का क्या सारा सीन है, कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तुम्हारा, तुमको पंजाब में लेना है, तुमको राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, जहाँ पर चाहिए वहाँ पर तुमको एडमिशन कराते, भैया तुमको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए, हाँ जयपुर के कॉलेजों में चाहिए, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजों में चाहिए, आप कोई बात नहीं, वो भी तुम्हारा कंप्लीट सॉल्यूशन करा देते हैं। आपको एक कोड यूज करना है REAP23, हाँ जी REAP23, तो आपको एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ पहले 1,000 स्टूडेंट्स के लिए ही है अवेलेबल, उसके बाद में जो नॉर्मल प्राइस आपको दिख रहा है वही आपको दिखेगा, एंड इसके अंदर आपको
100% एडमिशन की हम श्योरिटी देते हैं, चाहे आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, नोएडा हो, गुड़गांव, आप जल्दी से जाके रजिस्टर कर सकते हैं। हाँ, हमारी टीम मेंबर से 24 hours अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट ट्यूशन एंड सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ, किस कॉलेज का कितना कट ऑफ जाता है भैया, मेरी तो 6000 रैंक है, अब जिसकी 12000 रैंक है, 14000 रैंक है, जो कि बैठा है रीप राजस्थान के भरोसे, मेरे को कॉलेज मिलेगा भैया, अच्छा कॉलेज मिलेगा, प्लेसमेंट मिलेगा, घर वाले सोच रहे हैं भैया बेटा 4 साल बाद नौकरी करेगा, है हमारे भविष्य का सारा बनेगा, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। काफी सारे लोटो बच्चे ऐसे हैं जिनको करना तो इंजीनियरिंग भैया, और कोई ऑप्शन नहीं है, करे क्या। हा? हमारे अगर राजस्थान की बात करूं आज तो आपको कोने कोने पे पत्थर फेंक के जहाँ पे मारोगे आपको एकेडमीज मिल जाएंगे भैया। हाँ, आर्मी की तैयारी कर लो, नेवी की तैयारी कर लो, SSC, CD, GD, रेलवे, पटवारी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी और बेरोजगारी, लेकिन उसमें कोई पोटेंशियल नहीं है। 4 साल तक 5 साल तक बच्चा मेहनत करता है, इतने ज्यादा आर्मी में के अंदर कसरत कराई जाती है, या तो वैकेंसी नहीं आती, सिलेक्शन नहीं होता, हाइट कम है, बच्चों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है इंजीनियरिंग। अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करो, 4 साल बाद प्लेसमेंट और एक ठीक ठाक नौकरी लग जाती है। ये सिंपल आसान ऑप्शन लगता है जो भी बच्चे 12th पास आउट होते हैं उनके पास में, वरना एक दूसरा ऑप्शन और रहता है भैया सिंपल BSc का। हाँ जी, नॉर्मल बहुत सारे हजारों कॉलेजेज आज BSc की डिग्री दे रहे हैं बच्चों को, ना कोई स्किल सिखा रहे, ना प्लेसमेंट, ना इनोवेशन, ना टेक्नोलॉजी, और बच्चों की जिंदगियां आप बर्बाद कर रहे हैं। तो बच्चों के पास ऑप्शन क्या बचता है, एक है इंजीनियरिंग का, अगर उसी के अंदर भी अच्छा कॉलेज नहीं लेंगे वो, 4 साल के अंदर पैसे तो खराब हुए जो हुए, नौकरी उनकी लगेगी नहीं, प्लेसमेंट उनका लगेगा नहीं, घर वाले ताने अलग मारेंगे, और फ्यूचर में क्या ऑप्शन बचेगा। हाँ देखो, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है भाई, आप लोगों ने 4 साल की बीटेक की, आपको अगर नौकरी मिल गई देन आपका रास्ता साफ है, अगर नौकरी नहीं मिली देन एक बहुत बड़ा बैरियर आके खड़ा हो जाता है, क्योंकि फिर आपको एक दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है, आपको MTech करनी पड़ती है, आपको अदर कोर्सेस करना पड़ता है, उसकी बहुत ज्यादा हेवी फीस होती है, वो फीस कहाँ से मैनेज करें, बीटेक का मतलब क्या निकला, इंटर्नशिप ही नहीं लग रहा, ट्रेनिंग ही नहीं लग रही, प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा, घर वालों का क्या करें, रिश्तेदारों का क्या करें, ऐसे बहुत सारे हजारों सवाल होते हैं। इसलिए आप लोग अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हो देन सोच समझ के, थोड़ी गाइडेंस लेके, थोड़ा ध्यान देके, भैया हाँ मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, 4 साल बाद क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एनवायरमेंट प्रोडक्शन, ग्रीन एनर्जी बहुत बढ़ रहा है आजकल, ये प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, डोंट वरी, दुनिया का सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम है, पहले सिर्फ 1000 बच्चों के लिए, जरूर से जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो उसको। हाँ, GST एक्स्ट्रा देना पड़ेगा।